हेलो एंड वेलकम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफ रोड यूनिवर्स पर। दोस्तों आज हम पहुंच गए प्रीत ट्रैक्टर्स की एजेंसी पे और आपके सामने खड़ा है प्रीत 3549 चीता सीरीज 2023 मॉडल। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे और आप सभी को जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको प्रीत ट्रैक्टर्स। तो भाई ये प्रीत के काफ़ी सारे मॉडल हैं यहाँ पे और ये प्रीत ट्रैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा छा रहा है। कारण एक तो इसकी कीमत जो है ना, सबसे वाजिब कीमत है मार्केट में। जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं आजकल के टाइम में और अच्छे ट्रैक्टर्स, उनमें सबसे कीमत कम है। लगभग लाख लाख रुपए का फ़र्क ट्रैक्टर से आ रहा है कीमत में, तो किसान को क्या चाहिए। जबकि इसमें कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि मतलब जो मार्केट में ना मिलता हो या किसी और ट्रैक्टर में ना हो या कोई ऐसा पार्ट हो कि वो कामयाब ना हो। इस ट्रैक्टर में एक फेमस जो कहते हैं ना पिछला हिस्सा जो स्वराज का है, सेम टू सेम स्वराज जैसा। हालांकि मार्केट प्रीत के लगे हुए हैं पर प्रीत का जो पिछला हिस्सा है ये स्वराज वाला गेयर बक्सा है, जो कि काफ़ी अच्छा गेयर बक्सा माना जाता है। ये नहीं है कि भाई ट्रटर कर रहा, गेयर नहीं ले रहा, कोई शिकायत, बड़ा अच्छा गेयर बॉक्स है। और फ्रंट इंजन है, इंजन भाई साहब इसमें HMT का है। तो दोस्तों आज मैं इसकी पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको देने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस ट्रैक्टर की, कि इस ट्रैक्टर के अंदर क्या है, क्यों ट्रैक्टर मार्केट बनाता जा रहा है, तो वो सारी चीज़ दिखाने वाले हैं आपको। आज चलते हैं नज़दीक। पहली चीज़ जो बाहर से देखने वाली है वो इसका एरोडायनेमिक फीचर। ये देख सकते हो जो बोनेट का डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन बहुत सही है, वो एरोडायनेमिक फीचर है। दूसरी चीज़, सिंगल पीस बोनेट फ्रंट से उठता है तो बम्पर वम्पर हटाने की कोई शर्म दर्दी नहीं है, आगे से सिंगल पीस बोनेट है। उसके बाद बात करते हैं जो दूर से दिखने वाली चीज़ें उनकी बात करते हैं, फिर टेक्निकल पे चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देखो इसमें ड्राई एयर फिल्टर के साथ ये है, सूखे वाला एयर फिल्टर है, इससे काफ़ी अच्छा है, तेल वाले से ज़्यादा बेहतर। तो लो जी मित्रों 3549 आप देख सकते हैं, सिंगल पीस बोनेट, बहुत अच्छी जाली और इनबिल्ट अंदर वाली लाइटी एरोडायनेमिक फीचर के साथ। साथ ही साथ जो ये बोनेट उठाने का ये इसमें प्रेशर बार लगा हुआ है, ये बोनेट सिंगल पीस बोनेट ऊपर उठता बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आगे ना कि बम्फर खोलना है ना ही कोई और झंझट है। साथ ही साथ ड्राई एयर फिल्टर के साथ है और आगे वेट है बट बैटरी नहीं है, बैटरी बाहर है। जबकि तुम्हें मतलब मित्रों आपको जितने भी ट्रैक्टर्स एरोडायनेमिक मिलेंगे उनमें बहुत ही कम रेयर ट्रैक्टर होंगे जिनमें बैटरी बॉक्स बाहर मिलेगा, एयर डायनेमिक वाले फीचर्स में बैटरी बॉक्स अंदर ही आता जाता। तो लो दोस्तों देखते हैं इसका, ये इसका इंजन है जी, HMT वाला इंजन है जो सोनाली के बताया, सेपरेट टैपिट कवर के साथ 2781 CC का इंजन है, सेपरेट हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ, बाहर वाला बैटरी बॉक्स, अंदर को ये नहीं कि गलावट हो जाएगी, सिंगल पीस बोनेट। चीता सीरीज जो है ना उसकी बात कर रहे हैं आज हम, 3549 स्वराज का गेयर बॉक्स और मल्टी स्पीड PTO, ये देख सकते हैं 2023 का ही मॉडल है और BKT के टायर दे रही है, क्योंकि BKT का टायर काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में। तो BKT के टायर साथ ही में एक अच्छी चीज़ और क्या है कि हॉर्न जो है ना स्टीयरिंग के बीच में आ रहा है, तो ये एक झंझट नहीं है। स्विच देख सकते हैं, कार की जैसा स्विच आ रहा है। फीचर्स डिजिटल मीटर से शायद नहीं, एनालॉग है मीटर, तो क्लस्टर पर काफ़ी अच्छा है, आरामदायक प्लेटफॉर्म है, आरामदायक सीट है, काफ़ी खुले मडगार्ड हैं, तो मतलब कहीं से कहीं भी देखो तो मार्केट में चलने वाली चीज़ है ये, और साथ में सस्ती भी है, तो किसान को इसलिए पसंद आ रही है। और इधर सौदेबाजी भी चल रही है देखो एक ट्रैक्टर खरीदने की। और इसके बाद आ जाते हैं हम प्रीत का 955, इसकी मैंने डेमो की वीडियो भी डाल दी हैं, इनका मैंने डेमो भी कराया है, तो डेमो की वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 14 के टायर हैं, इंजन वही 3 सिलेंडर वाला है, इसमें भी पावर स्टीयरिंग वही है, टायर साइज बड़े हैं दोनों, अगले वाले 750-16 के हैं। और इनके बहुत सारे और मॉडल्स खड़े हैं, तो दिखाते हैं थोड़ी सी टेक्निकल की और बात कर लें। तो 2781 CC का इंजन, 35 HP और जिसकी PTO 40 HP निकालेगा ये। और थोड़ी सी प्लेट जो SFC वगैरह दिखाते हैं, 280 ग्राम पर किलोवाट पर आर की है, वो भी दिखा देते हैं आपको प्लेट। जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है उसका बॉक्स अलग से आ रहा है, कूलेंट बॉक्स अलग से है जी।
2023 का मॉडल है जी। ये आप देख सकते हैं, इसमें लाइव पीटीओ और 540 वाली पीटीओ, दो मल्टी स्पीड पीटीओ आ रही है, क्योंकि लाइव में आप रिवर्स में भी और कहीं भी चला सकते हो। साथ ही साथ एडजस्टेबल सीट और ऑक्सिलरी वाल्व भी है। 13-6-28 के पिछले टायर और भारी पिछला हिस्सा है। पिछले हिस्से को देख के आप बता नहीं सकते कि ये 35 HP का ट्रैक्टर है, क्योंकि इतना भारी पिछला हिस्सा है इसका। साथ ही साथ सिंगल वाला ऑक्सिलरी वाल्व आ रहा है। लिंकें देख सकते हैं आप कितनी हैवी लिंकें हैं, और जो सपोर्ट बार हैं ये भी बहुत तकड़े हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैंने इसका ओवरव्यू दिया है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।